नमस्कार, मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। तो चलिए जानते हैं आज भारत की कुछ प्रमुख खबरें। मीठापुर बस स्टैंड की जमीन पर बनेगी 3 नई यूनिवर्सिटियां। मीठापुर बस स्टैंड को रविवार को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। इस जमीन पर 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। ये हैं बिहार के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, बिहार मेडिकल विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय। पीवी सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज जीता। पीवी सिंधु 125 साल की ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। 26 साल की सिंधु ने रविवार को चीनी सेटलर ही बाइजो को सीधे सेंटो में 21-13, 21-15 से हराकर यह मेडल पक्का किया। बेली रोड दीघा से ऑटो रिजर्व करके ही बस पकड़ने जाना होगा बैरिया। मीठापुर बस स्टैंड पूरी तरह खाली हो गया है। प्रशासन का दावा है कि वहां बस संचालकों और यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था है, लेकिन इससे ना तो यात्री और ना ही बस संचालक संतुष्ट हैं। यात्रियों को वहां जाने के लिए बस के किराए से ज़्यादा ऑटो भाड़ा देना पड़ता है। शहर के कई इलाकों से ऑटो की सुविधा भी नहीं है। ऑटो रिजर्व कर बस टर्मिनल जाना मजबूरी है। वहां जाने वाले यात्री बस खोजने में भी परेशान हो जाते हैं। कहां की बस कहां है ये पता ही नहीं चलता है। एक ही गेट से बसों का आना जाना है, जिसके कारण जाम भी लग जाती है। बस संचालकों ने कहा है कि वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सुबह 4 से रात 9 बजे तक ही बसें चलाई जा सकती हैं। मकान की व्यावसायिक उपयोग के लिए उपनगर आयुक्त जारी करेंगे रेंट ट्रेड लाइसेंस। क्षेत्रफल के हिसाब से चुनना पड़ेगा शुल्क। पटना नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस को लेकर आदेश जारी किया है। निगम प्रशासन की ओर से उपनगर आयुक्त को लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। नगर निगम की ओर से पहले ही निर्णय लिया गया था कि निगम क्षेत्र में किसी भी परिसर के व्यावसायिक उपयोग के लिए जमीन मालिक या संपत्ति के अधिकारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। शराब जब्त 281 गाड़ियों की 16 अगस्त से 3 सितंबर तक होगी नीलामी। शराब ढोती पकड़ी गई गाड़ियों की नीलामी होगी। पटना सदर अनुमंडल की ओर से वाहनों की सरकारी संपत्ति मान लिया गया है। इसके लिए सोमवार से एडवांस राशि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। वाहन खरीदने के इच्छुक लोग 31 अगस्त तक बैंक ड्राफ्ट के रूप में अनुमंडल में एडवांस राशि जमा करवा सकते हैं। बिहार में 1.23 लाख हेल्थ केयर वर्करों ने नहीं ली थी दूसरी डोज। टीकाकरण को संचालित करने की जिम्मेदारी जिन हेल्थ वर्करों पर है, वही टीका के प्रति गंभीर नहीं है। राज्य के 5,19,886 हेल्थ वर्करों ने टीके की पहली डोज ली थी, जबकि दूसरी डोज में इनमें 3,95,1948 लोगों ने ही ली है। 24 घंटे में सोन नदी में 12 गुना तो गंगा नदी में 2 गुना पानी बढ़ा। पटना में कल हो जाएगी पानी खतरे के निशान से पार। पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और सोन नदी उफान पर है। बिहार पुलिस ने लोगों की समस्या को निपटाने के लिए लॉन्च की वेबसाइट। वह वेबसाइट है www.biharpolice.in। पुलिस अफसर घूस मांग रहे हों या केस दर्ज नहीं कर रहे हों तो आप इस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। बिहार पुलिस ने अपने कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए, लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए यह नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके तहत लोग अपराध से लेकर पुलिस से जुड़ी दूसरी तरह की समस्याओं को भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। उनके पास वैसे पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायत के लिए भी विकल्प होंगे जो भ्रष्ट हैं या लोगों की शिकायत नहीं सुन रहे हैं। लोजपा पारस के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसमें गरीबों, दलितों, शोषितों के कल्याण की बात हो सके, उनके विकास की बात हो सके। उसका तो समर्थन करना ही चाहिए। पूर्ण जातीय जनगणना होगी तो विकास योजनाओं में मदद मिलेगी। कंधार एयरपोर्ट पर आतंकियों ने दागे 3 रॉकेट। तालिबान के डर से हर हफ्ते देश छोड़कर जा रहे हैं 3 लाख अफगानी। अफगान में तालिबानी आतंकियों का कहर जारी है। दुनिया के 117 देश में कोरोना के साप्ताहिक मामले और मौतें फिर बढ़ने लगी हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाके गिलगित और बाल्टिस्तान की अलग प्रांत बनाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट की जानकारी सामने आई है कि इसके लिए कानून भी तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक विधि एवं न्याय मंत्रालय ने नया कानून प्रस्तावित किया है। इसके तहत गिलगित बाल्टिस्तान के सर्वोच्च अपीलीय न्याय को खत्म कर दिया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र के निर्वाचन आयोग को भी पाकिस्तान में चुनाव के लिए सहायता किया जा सकता है। बिहार में 6 दुकानों का शटर उखाड़कर चोरों ने लाखों का माल उड़ाया। बिहटा के कन्हौली बाजार में चोरों ने 6 दुकानों का शटर उठाकर लाखों का माल उड़ा दिया है। मार्ग पर हुई इस घटना की सूचना सुबह दुकानदारों को तब मिली जब आसपास के दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचे। पटना उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी अफसरों से पूछा गया है कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं।
इसका जवाब जिले के मात्र 69 अधिकारियों ने अब तक दिया है। कुछ ही अधिकारियों ने अपने बच्चों की शिक्षा की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। मजेदार बात यह है कि दी गई जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों में से एक को छोड़कर किसी भी अधिकारी के बच्चे सरकारी संस्थान में नहीं पढ़ते हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 5 साल से 1 घंटा पहले भी दुनिया की कोई ताकत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकता है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी सिर्फ ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं। इग्नू की विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा आगामी 3 अगस्त से शुरू होगी जो 9 सितंबर तक चलेगी। धन्यवाद, आप बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ और हम आपको नित्य नई खबरें पेश किया करेंगे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल बीटी न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब करें।